आज का हमारा स्वादिष्ट रेसिपी है उन्नी अपम। आज का हमारा रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल, एक पूरा नारियल लेना है, उसका आधा वाटी ग्रेट करना है और आधा वाटी छोटा कट करके उसको तेल में मैंने फ्राई करके रख दिया है और आधा किलो गुड़ पानी बना के रख दिया है और 9 केला चाहिए, इलायची केला, वो एकदम पकेला चाहिए केला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 पिंच नमक और फ्राई करने के लिए ऑयल और आधा किलो रवा, आधा किलो मैदा। सबसे पहले हमें एक टोप में सारा केले का छिलका निकाल के रखना है। अभी इसको हाथ से अच्छे से मैश करना है। देखिए हमारा सारा केला मैश हो चुका है अच्छे से, इतना अच्छे से मैश होना चाहिए। अभी इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 पिंच नमक इलायची पाउडर और ये रोस्ट किया नारियल ये सब डाल के और अच्छे से फिर से मैश करना है। ये मैश करने में ही ये अपम एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी बन जाता है, इसके लिए ये अच्छे से मैश करना चाहिए हाथ से। अभी इसमें गुड़ जो पानी करके रख दिया है उसको डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से हाथ से मैश करना है। देखो अभी केला सब एकदम मैश हो गया, एकदम पानी जैसे हो गया इसमें। अभी इसके अंदर रवा, आधा किलो रवा, और उसमें मैदा ये सब डाल के भी फिर से अच्छे से मैश कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके 4 आवर्स तक फर्मेंट होने के लिए रख देते। देखिए हमारा आटा 4 आवर्स हो चुका है, फर्मेंट हो गया है। अभी इसमें से थोड़ा सा आटा एक टोप में निकाल देते हैं। इसमें थोड़ा पानी का ज़रूरत है, इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करना है। देखो ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने अप्पा का बर्तन रख दिया है, तेल डाल के रखा है, गरम हो चुका है। अभी मीडियम फ्लेम पे एक एक चम्मच इसमें बैटर डाल देते हैं। अप्पा का बर्तन में तेल ज़्यादा रहना चाहिए। एक साइड पक चुका है, जो भी पका है उसको हल्का सा पलटी करने का, सब दोनों साइड पलटी करने के बाद ये बीच वाले जल्दी पक जाते हैं। देखो इसको पहले निकाल लेने। देखिए हमारा केरला के स्पेशल उन्नी अपम बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बन गया है, ये बहुत सॉफ्ट बन गया है। देखो एकदम फ्लफी फ्लफी बन चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्रपिताज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।